भारत में अगस्त महीने के अंत तक 5G इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा। ये ऐलान खुद टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया है। उनका कहना है कि स्पेक्ट्रम की बिक्री शुरू हो चुकी है और जून तक ये प्रोसेस खत्म होने की संभावना है। विभाग ट्राई की सिफारिशों का भी इंतजार कर रहा है। ट्राई ने सरकार से 1,00,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 7.5 लाख करोड़ रुपए में ऑक्शन कराने की सिफारिश की थी। इसकी वैलिडिटी 30 साल की होगी। ऑक्शन खत्म होते ही 5G लॉन्च होगा। देखिए, इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहते हैं। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो वेव्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने जिन शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है, उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जामनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि देश के इन्हीं 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट क्यों? वजह एक नहीं, 3 हैं। पहली वजह, नोकिया और एरिक्सन कंपनी शुरुआती फेज में इन्हीं शहरों में ट्रायल और टेस्टिंग कर रही है। दूसरी वजह, इन 13 शहरों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हैं। यहाँ इंटरनेट यूज भी ज्यादा है, इसलिए इन्हीं शहरों को चुना गया है। जबकि तीसरी वजह यह है कि 5G इंटरनेट सर्विस की कीमत 4G की तुलना में ज्यादा है। इस हिसाब से छोटे शहरों की तुलना में 5G यूज करने वाले लोग इन 13 बड़े शहरों में ज्यादा हैं। 5G इंटरनेट सर्विस से यूजर्स को कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि यूजर तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेगा। हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से यूट्यूब पर वीडियो देखना, ऑटोनोमस गाड़ियों को ऑपरेट करना, वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल कर पाना ज्यादा आसान होगा। यही नहीं, 5G के आने से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकेगा। देश में 5G आते ही इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ 7 सेकंड में मूवी डाउनलोड करने से लेकर बफर फ्री टीवी और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। तो ये थी 5G से जुड़ी तमाम जानकारी, और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।